हेलो दोस्तों, ईओके आरडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक हॉट टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत ही जाना माना टॉपिक है और ये टॉपिक आप किसी भी एग्जाम में इसे सवाल बन सकते हैं, इसके सवाल बन सकते हैं। टॉपिक है टॉबिन टैक्स। कौन सा? टॉबिन टैक्स। टॉबिन टैक्स ये शब्द कहां से आया था? 1972 में अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार विजेता जेम्स टॉबिन। कौन? जेम्स टॉबिन ने सुझाव दिया था किसके बारे में? टॉबिन टैक्स के बारे में। इन्होंने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कौन से स्तर पर? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा के रूपांतरण के समय एक टैक्स लगना चाहिए। मुद्रा के रूपांतरण पर एक टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा के रूपांतरण पर टैक्स लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? टैक्स लगना चाहिए। कैसे? सपोज कीजिए कि रुपयों को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां पे एक टैक्स लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? टैक्स लगना चाहिए। या डॉलर को किसको, डॉलर का अगर चेंज किसमें हो रहा है? यूरो में हो रहा है। क्या हो रहा है? किसमें? यूरो में हो रहा है, तो यहां पे क्या लगना चाहिए? एक टैक्स लगना चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है तो उस समय क्या लगना चाहिए? टैक्स लगना चाहिए। और ये किसने दिया था अवधारणा, किसने दी थी, ये सुझाव किसने दिया था? जेम्स टॉबिन ने दिया था। इसी को हम टॉबिन टैक्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? टॉबिन टैक्स कहते हैं। तो इस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमति तो बनी थी। जब 2009 लंदन में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, कब? 1909 में। और कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। उस समय इसके सुझाव दिए थे, उस पर फोर्स भी हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर इसको ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, अमल में नहीं लाया था, ठीक है। अब कहते हैं कि ये टैक्स तो आप इसका करोगे क्या? ये टैक्स का फायदा क्या होता है? इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं? तो ये टैक्स क्या करेगा कि इंटरनेशनल स्तर पर जो अस्थिरता डेवलप हुई है ना, उसको रोक सकते हैं। अपने पास क्या हो जाएगा? फंड इकट्ठा हो जाएगा। ये फंड क्या कलेक्ट कर लो, आप यहां से क्या कर लो, फंड राइज हो गया। यहाँ पे फंड क्या हो गया? एकत्रित हो गया। ये क्या हो गया? फंड एकत्रित हो गया। इस फंड को किसी एक इंटरनेशनल जो भलाई का काम करती है, जैसे यूएनओ, ठीक है, यूएनओ में या आईएमएफ, जो इंटरनेशनल जो फंड है उसका, उसमें उसको एकत्रित कर लो, ठीक है। और उसी फंड को जो इंटरनेशनल अस्थिरता उत्पन्न हुई उसमें भी लगा सकते हैं, या फिर कोई इंटरनेशनल लेवल पर क्या सट्टा खेला जाता है, क्या खेला जाता है? सट्टा खेला जाता है, उसको रोक सकते हैं मुद्रा के आधार में कि भाई हाँ, इसके डॉलर में इतना है तो इतने इसको सट्टा लगता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा पर, उसको रोक सकते हैं, ठीक है, सट्टों से बचाव के लिए, ठीक है। तीसरा, इसका भलाई क्या हो सकती है? आपको पता है कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, मतलब क्या? जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और परिवर्तन होने से क्या होता है कि कई कई देशों की पूरी जलवायु, क्लाइमेट ही चेंज हो रहा, तो उसका प्रोडक्शन कम हो गया, तो ये पैसा किसी गरीब देश को दे सकते हैं, ठीक है। नुकसान जो जलवायु परिवर्तन से नुकसान हो रहा उसकी भरपाई कर सकते हैं, ठीक है। वैश्विक एजेंसी जैसे यूएनओ के पास पैसा पड़ा हुआ है, तो इसको किसी विकासशील देश उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वहां पे पैसा लगा सकते हैं। जैसे कोविड जैसी महामारी आई है, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा टीके जो दवाइयां होती है, वैक्सीन होती है, उसको प्रोडक्शन में काम आ सकती है, ठीक है।
और सबसे बड़ा ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे मुद्रा का जो ट्रांजेक्शन होता है बहुत बड़े लेवल पे होता है। आपको पता है ये ट्रांजेक्शन कितना है? आपका 6 ट्रिलियन डॉलर है। कितना है? ट्रिलियन डॉलर है। इस पे अगर आपका 0.05% या 2.5% भी हो तो अरबों खरबों जो पैसा इकट्ठा हो जाएगा। और इसको अपन बहुत सारे भलाई के काम में, मानवता की सेवा के काम में ले सकते हैं। और ये कौन, जो कोई एजेंसी होती है यूएनओ, उसके द्वारा माध्यम से हो सकता है। अब ये अभी हॉट पॉइंट क्यों बन सकता है, बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो 2023 का G20 शिखर सम्मेलन है, 2023 का G20 शिखर सम्मेलन है, कहाँ हो रहा है? दिल्ली में, इंडिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। और भारत को इसको एक एजेंडे के रूप में काम में लेना चाहिए और इसको अमल में लाना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे पहल करनी चाहिए कि टोबिन टैक्स है वो इंटरनेशनल लेवल पे एप्लीकेबल हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल जो फंड इसको क्रिएट किया जा सके। ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका, इसको ध्यान से आप वीडियो को देख करके अपने ज्ञान को एनरिच कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।